खाना खजाना भी सीखा चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू मटर पुलाव। आलू मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने 2 कप बासमती चावल लिए हैं। ये लंबा वाला चावल है। चावल को सबसे पहले 2-3 बार अच्छे से धुल लेंगे। चावल को 2-3 बार अच्छे से धुल लिया है। इसके ऊपर जो भी गंदगी थी उसको साफ कर दिया है। अब चावल को आधे घंटे तक इसी तरीके से पानी में भीगने देंगे। 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू को इस तरीके से मोटे मोटे पीसों में काट लिया है। आप जब भी पुलाव बनाएं, पुलाव बनाने के लिए आलू को इस तरीके से मोटे मोटे पीसों में ही काटना है। अगर आप बारीक पीस में आलू को काट देंगे तो आलू पुलाव में मैश हो जाता है। 250 ग्राम हरी वाली मटर ली है, मटर को छील लिया है। मसाला बनाने के लिए 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं। प्याज को सबसे पहले बारीक बारीक चॉप करेंगे, 2 टुकड़ों में काट लेंगे। अब इसको एकदम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। देखिए प्याज को एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको एकदम फाइन काट लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरा प्याज लेंगे, इसको भी इसी तरीके से कट करेंगे। देखिए प्याज को एकदम बारीक बारीक काट लिया है। अब टमाटर को कट करेंगे। टमाटर को बीच से काटेंगे। टमाटर को मोटा मोटा काटेंगे। टमाटर को इस तरीके से मोटा मोटा काट लेंगे। टमाटर को एकदम बारीक नहीं काटना है, क्योंकि जब तक हमारा पुलाव पकेगा तब तक टमाटर अच्छे से पक जाएंगे, इसलिए टमाटर को मोटा मोटा ही काटना है। देखिए प्याज को एकदम बारीक काट लिया है और टमाटर को मोटा मोटा इस तरीके से रखा है। पुलाव बनाने के लिए प्रेशर कुकर लिया है। इसमें डालेंगे 3-4 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, तेजपत्ता, हरी इलायची, काली मिर्ची, दालचीनी, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, जावित्री। इन सभी को तेल में डाल देंगे। इन सभी के साथ ऐड कर देंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी से पुलाव का फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है। साथ में ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। सारे खड़े मसालों को अच्छे से भुनने देंगे। खड़े मसाले हल्के से भुन गए हैं। अब इसके साथ ही ऐड कर देंगे कटा हुआ प्याज। प्याज को चला देंगे। अब गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे ही प्याज को पकाएंगे। प्याज को इस तरीके से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज ब्राउन हो गया है, गैस की फ्लेम अब लो कर देंगे। साथ में ही ऐड कर देंगे कद्दूकस किया हुआ 1 चम्मच अदरक लहसुन। आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 1/2 मिनट तक भूनेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। गैस की फ्लेम अब लो रखेंगे। देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है और अदरक लहसुन भी अच्छे से भून गया है। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अगर आपको पुलाव तीखा पसंद है तो 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल लीजिए। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि मसाले जले नहीं और मसाले अच्छे से भुन जाएं। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। मसालों के साथ में ही ऐड कर देंगे मोटे मोटे कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही मसालों को पकने देंगे, जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। साथ में ही ऐड कर देंगे 5-6 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप साबुत ही ऐड कीजिए। अब इसके साथ में ही ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक आप चावल के हिसाब से ही डालिएगा। नमक और हरी मिर्ची को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसालों को अब तब तक भूनेंगे जब तक इनसे तेल छूटना शुरू ना हो जाए और अच्छी खुशबू ना आने लगे। इस तरीके से आप आलू मटर पुलाव बनाएंगे तो आपका आलू मटर पुलाव बहुत ही अच्छा बन के आएगा। मसालों से तेल छूटना शुरू हो गया है और अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब इसके साथ ही ऐड कर देंगे छिली हुई हरी मटर। मटर को भी मसालों के साथ में 1 मिनट तक भूनेंगे। हरी मटर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब साथ में ही डाल देंगे कटे हुए आलू। आलू को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आलू और मटर को 2 मिनट तक मसालों के साथ में भूनेंगे। 2 मिनट हो गए हैं मटर और आलू को भूनते हुए। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। हरे धनिया को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे।
अब सब्जी में पानी ऐड करेंगे। जिस बाउल से मैंने चावल लिया था उसी बाउल से पानी डालेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने दो बाउल पानी डाला है, पानी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस की फ्लेम हाई कर देंगे। अब कुकर को इस तरीके से ढक देंगे जिससे कि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। देखिए पानी गर्म हो गया है, इसमें उबाल आने वाला है। एक बार सब्जियों को चला देते हैं, पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। देखिए पानी में उबाल आ गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नमक टेस्ट कर लेना है क्योंकि इसमें चावल भी पकेगा, तो नमक जब सही से पड़ेगा तो पुलाव का टेस्ट अच्छा आएगा। अगर नमक कम रह गया तो पुलाव का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए नमक को यहाँ पे चेक कर लेना है। नमक अगर आपको कम लगता है तो यहाँ पे नमक को डाल लीजिएगा। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है इसलिए आधा छोटा चम्मच नमक और डालेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। चावल से बिल्कुल पानी निकाल दिया है। जब आप चावल सब्जी में डालें तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि पानी हमने पहले से ही डाल रखा है, इसलिए चावल को इस तरीके से पानी में छोड़ेंगे। आप चाहें चावल को तो छन्नी में भी छान सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, चावल को अच्छे से चला देंगे। अब गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। उबाल आने तक चावल को ढक के पकने देंगे। चावल को बीच बीच में चला देंगे। देखिए चावल अभी से लंबा लंबा खिला खिला सा दिख रहा है। सब्जियों को इसलिए मिक्स किया जाता है क्योंकि चावल और सब्जी सब एक तरीके से पक जाएं, नहीं तो चावल नीचे रह जाते हैं और सब्जियाँ ऊपर आ जाती हैं, इसलिए सब्जी और चावल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। 3 मिनट हो गए हैं चावल को सब्जियों के साथ में पकते हुए। चावल को हल्के हल्के हाथों से ही चलाएंगे क्योंकि ये बासमती चावल है, करछी को तेज़ तेज़ चलाएंगे तो चावल टूट जाएगा, इसलिए हल्के हल्के हाथों से ही चावल को चलाना है। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब कुकर उठा लेंगे, इसके नीचे तवा रख देंगे। तवा मोटी तली का होना चाहिए। अब इसके ऊपर कुकर रख देंगे। कुकर को सिल्वर फॉइल से इस तरीके से ढक देंगे जिससे कि पुलाव में दम लग जाए अच्छे से। सिल्वर फॉइल को इस तरीके से अच्छे से दबा देंगे जिससे कि कुकर से गैस पास ना हो। अब पुलाव को इस तरीके से पकने देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, मीडियम फ्लेम पे ही चावल को पकाना है। 15 मिनट हो गए हैं पुलाव को पकते हुए, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इससे कवर हटाएंगे। देखिए कितना अच्छा पुलाव बन के आया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पुलाव को इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हिलाना है। देखिए चावल कितना अच्छा लंबा लंबा सा बन के आया है। देखिए कितना अच्छा आलू मटर पुलाव बन के आया है। आलू मटर पुलाव सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।